हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। 60 लाख पेंशन होल्डर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर जो पेंशन भोगी है उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आप देख सकते हैं एनडीटीवी इंडिया की बिग अपडेट आ चुकी है। इस योजना के तहत आने वाले पेंशन भोगियों को 7,500 रुपए मासिक पेंशन मिलने की संभावना, यानी सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए कि आने वाले दिनों में आपको मंथली यानी महीने में आपको 7,500 रुपए पेंशन मिल सकती है। सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, पेंशन भोगियों के संगठन ने मांग की थी कि ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले 60 लाख पेंशन भोगियों को न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए और अंतरिम राहत के रूप में 5,000 रुपए दिए जाएं। सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए कि आपकी आने वाले दिनों में पेंशन जो कि 7,500 रुपए हो जाएगी। ये नई स्कीम लागू की गई है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और पेंशन होल्डर जितने भी हमारा वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो घंटी बनी है उसको दबा लीजिएगा। कल को कोई पेंशन से जुड़ी हुई कोई नोटिस अनाउंसमेंट आ जाता है और आपको वो चीज पता ही ना चले तो ये जरूरी है कि आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब किया तो आपको वो जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि कई बार जरूरी डॉक्यूमेंट मांग लिए जाते हैं और आपको वो जानकारी नहीं मिलती तो आप वो पीछे रह जाते हैं और आपकी हो सकता है पेंशन बंद हो जाए, कुछ कारण से कुछ अलग हो जाए। तो वो चीजें आप लोग खास तौर पे ध्यान रखें। जरूरी आप लोग चैनल सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन यानी घंटी को दबाया होगा तो आपको हर प्रकार की पेंशन से जुड़ी हुई YouTube पे सबसे पहले हमारे चैनल पे जानकारी मिल जाएगी। वो भी सही और सटीक जानकारी मिलती है, कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं देंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरी खबर के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी इंडिया की बिग अपडेट आ चुकी है। इस योजना के तहत आने वाले पेंशन भोगियों को 7,500 रुपए मासिक पेंशन मिलने की संभावना है। खास बातें इसके अंदर क्या क्या है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों को मिल सकती है बड़ी राहत। पेंशन भोगियों को 7,500 रुपए मासिक पेंशन मिलने की बहुत बड़ी यहां पे संभावना बताई जा रही है। पेंशन भोगियों के संगठन ने इससे जुड़ी मांग रखी थी और इस मांग को यह समझ लीजिए कि फाइनली नई दिल्ली की तरफ से एक मुहर लग सकती है। बहुत बड़ी अपडेट है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए सरकार जल्द ही राहत ला सकती है। हो सकता है कि जल्द ही न्यूनतम जो 5,500 रुपए मासिक मिल सकता अंत है वह 7,500 रुपए हो सकता है, यानी 5,000 से सीधा 7,500 रुपए आपको मिलने वाला है। इस मामले को आगे बढ़ा रहे संगठन ने श्रम मंत्रालय से मिले आश्वासन के आधार पर यह कहा था। बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि श्रम मंत्रालय ने बिग अपडेट आपको दे दी है। अब आपकी जो पेंशन है वो सीधे 7,500 रुपए होने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईएफओ द्वारा प्रतिबंधित कर्मचारी पेंशन योजना 95 ईपीएस 95 के तहत फिलहाल पेंशन 1,000 रुपए मासिक ऑल इंडिया ईपीएस 95 पेंशन संघर्ष समिति ने बयान में कहा कि श्रम मंत्रालय ने एक बैठक प्रतिमंडल को उक्त आश्वासन दिया था। आपका बैंक आपके द्वारा योजना में ईपीएस 95 पेंशन से सुलभ न ले, अशोक राउत जी का कहना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के संबंध में एक कार्यक्रम आपके बैंक द्वारा योजना शुरू किया है, जिसमें भारतीय डाक विभाग की ओर से डाकिया पोस्टमैन खुद घर आकर पेंशनधारकों का जीवन प्रमाण पत्र जमा कर देंगे, जिसके लिए प्रति पेंशनर रुपीस 70 का भुगतान करना पड़ेगा, जिसको लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने माननीय रविशंकर प्रसाद जी, संचार मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्य मंत्री पेंशन माननीय संतोष कुमार गंगवार जी, श्रम मंत्री, नई दिल्ली के डाकघर, महानिदेशक को ईमेल भेजा है। आपको बता दूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस आपका बैंक आपके द्वारा योजना का स्वागत करते हैं क्योंकि उसमें दरवाजे की सेवा सुविधा का प्रावधान है। हालांकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सेवा शुल्क के रूप में 70 रुपये की राशि अधिक मानी जाती है क्योंकि उन्हें केवल 200 से लेकर 3,000 की अलग पेंशन मिलती है। 33 लाख पेंशन धारकों को 1,500 रुपये से कम पेंशन मिल रही है। देश भर के उपभोक्ता सेवा केंद्रों को सेवा शुल्क के रूप में केवल 10 रुपये लेने की अनुमति है। फिर भी प्रश्न यह है कि डाकघर की सेवा के लिए 70 रुपये एकत्रित करने के लिए अधिकृत है, जबकि प्राइवेट सेवा रुपये 10 में प्रदान की जा रही है। अंत अनुरोध के है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से भारतीय डाक विभाग आपका बैंक आपका द्वारा योजना का सेवा सुलभ नहीं लिया जाए। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग और अभी लगभग 40 लाख को मिल रहे हैं मासिक 1,500 रुपए। आप सभी को बता दें, यहाँ पे आप सभी की जो पेंशन है पड़ने वाली है। जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी व्यूअर्स जुड़ चुके हैं,
यहाँ पे 262 प्रयास किए गए हैं सभी की पेंशन को बढ़ाने के लिए। और आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे ऑल इंडिया ईपीएस 95 पेंशन पेंशनर्स समिति संघर्ष समिति ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में उनके सदस्य ने ईपीएफ 95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए देने के लिए सरकार पर दबाव यहां पे डाला है। और आप सभी को बताएं यहां पे ये दबाव बढ़ सकता है क्योंकि यहां पे काफी सारे जो आगे आ रहे सामने चेहरे आपको बता दें। ऑल इंडिया ईपीएस 95 पेंशनर्स समिति ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में उनके सदस्यों द्वारा ईपीएफ 95 योजना के अंतर्गत तहत न्यूनतम मासिक पेंशन जो है 7,500 रुपए देने के लिए सरकार पर दबाव डाला गया। और आपको अगर बता दें इसमें ये मिला के आपको 9,000 तक की यहाँ पे पेंशन जो है वो करने की मांग की गई है। आज की सबसे लेटेस्ट अपडेट है। और आप लोगों को अगर ऐसी अपडेट जानना है तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बता दें 40 लाख पेंशन भोगियों को इस समय पेंशन मिल रही है और मोदी सरकार का सबसे बड़ा यहाँ पे तोहफा हो सकता है। आपको 1500 रुपए और भी मिलेगा यहाँ पे। आप सभी बता दें जितने भी है 1500 रुपए और दिए जाएंगे आप सभी को, यानी कि 7,500 प्लस 1500 जब जाएंगे तो ये पूरा 9,000 हो जाएगा, 9,000 पूरा। तो लेटेस्ट अपडेट है, आप सभी की पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। और जितने भी व्यूअर देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद यहाँ पे काफी सारे कैंडिडेट व्यूवर्स का डाउट आ रहा था कि पेंशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। भरसक प्रयास लगातार किए जा रहे थे, एफर्ट ट्विटर पे भी कंपनी ने चलाया गया था। तो आप सभी की लेटेस्ट खबर आने वाली है और आगे भी जो अपडेट आती रहेगी आप सभी तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।